पूनम ढिल्लन हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो भी बड़े लंबे समय से राजनीति पर नजर भी रखती हुई आई हैं, बड़ी एक्ट्रेस हैं। पूनम जी बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, और जिस तरह की स्थिति आप पूरे देश में देख रही हैं, थैंक यू। क्या लगता है आपको, क्या एक लहर और इसे सुनामी कहा जाए? बिल्कुल, सिर्फ मैं क्या कहूँगी, सारा देश कह रहा है कि ये राजनीति में जो पहली बार इतनी बड़ी सुनामी आई है। लोग सोचे थे कि 2014 ही सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत ही बड़ी लहर है, बट मुझे लग रहा है कि इस बार तो उसको भी उसने बीट कर दिया है, कमाल हो गया है। और पूनम जी, आप उत्तर प्रदेश से ही आती हैं, कानपुर से आपका ताल्लुक है, मैं ये जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति भी आपने देखी होगी जब से आप छोटी हैं, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है और अभी हमें सीटें देखने को मिल रही हैं, वाकई जनता का जो साथ है वो क्या राष्ट्रवाद पर है? विवेक आनंद ओबराय भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद जनता है और जनता मोदी के साथ है। यूपी ही क्यों, हाँ मैं पैदा ज़रूर यूपी में हुई थी, बट मैं सोचती हूँ ये सारे देश में राष्ट्रवाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में ये पहली बार किसी भी लीडर ने ये जज्बात लोगों में जगाया है कि अपने देश में आप गर्व रखिए, राष्ट्रवाद में प्राइड, पेट्रियाटिज्म में प्राइड रखिए। अभी तक तो लोग अपनी पार्टी को ही सिर्फ बढ़ावा देते थे, बट ये हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जिन्होंने लोगों में वो जज्बात जगाए हैं कि कंट्री फर्स्ट। तो ये पेट्रियाटिज्म की जो भावना है मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने देश का भला नहीं सोचेंगे, आप अपने ही में ही सोचेंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मतलब जैसे योर लाइट मैन, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बीजेपी की जैसे बीजेपी की बेसिक प्रिंसिपल है कि देश सबसे प्रथम है, सबसे पहले देश, फिर पार्टी और फिर स्वयं, तो वो मैं मानती हूँ कि अगर वो भावना सब हमारे हर आई वुड से नागरिक में जाग जाए, तो वो अपने देश के लिए एक से एक अच्छा करेंगे, चाहे एक छोटा सा मुद्दा हो जैसे स्वच्छता हो, चाहे वो अपने परिवार के लिए हो, अपनी बेटी के लिए हो। ये छोटी छोटी बातें जो हमारे प्रधानमंत्री ने लोगों में जागृत करने की कोशिश की है, वो मुझे लगता है बहुत बहुत अहम है, और अगर वो हम नहीं ध्यान में रखेंगे तो हमारा देश दुनिया का प्रथम देश नहीं बनेगा। और अब मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी जैसे जो लीडर आए हैं, ही विल टेक इंडिया फॉरवर्ड, सिर्फ राष्ट्र उसमें नहीं पर इंटरनेशनल स्तर पे भी हम बहुत आगे बढ़ेंगे, और ऑलरेडी जो इज्जत हमारे देश के लिए दुनिया की नज़रों में आ गई है वो बहुत अहम है। आपने कभी पहले देखा है कि भारत देश के लिए इतनी इज्जत हो देश में, किसी इंटरनेशनल स्तर पे नहीं। पूनम जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, महाराष्ट्र से आप ताल्लुक़ रखती हैं और वहाँ की राजनीति में अब आप सक्रिय रूप से भी रही हैं, पूरे चुनाव को आपने देखा है, महाराष्ट्र में आपका जो गठबंधन शिवसेना के साथ है उसकी इतर तस्वीर देखें तो सूपड़ा साफ वहाँ पर नज़र आ रहा है कांग्रेस का, क्या आप मानती हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा? हाँ वो तो है ही, जब तक एक लीडर स्ट्रांग ना हो इंस्पायर नहीं होता है देश। आई थिंक उन्होंने इतना इंस्पायर किया है लोगों को, जिनमें थोड़ा सा भी शक था वो लोग भी टर्न हो गए हैं कि ये लीडर हमको चाहिए है, हमें एक कमज़ोर नेता नहीं चाहिए, हमें एक क्लैरिटी वाला डेडिकेटेड फोकस्ड लीडर चाहिए है, तो वो उनको नरेंद्र मोदी जी में दिखा है। और ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में हमारी टीम भी बहुत स्ट्रांग है, हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी बहुत अच्छे से लीड किया है सबको, और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पिछले 5 सालों में दिखाया है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए लोगों ने फिर से उनको वापस सत्ता में लाने की पूरी उम्मीद रखी है। कि क्या हम अब सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वक्त आ गया होगा सेलिब्रेट करने का। वही करने का, मैं तो सुबह से जब से उठी हूँ तब से यही सोच रही हूँ कि सेलिब्रेशन कब शुरू होगी, बट ऑफ कोर्स बीइंग थोड़ा सोबर और प्रैग्मैटिक सब लोग कह रहे हैं हाँ सेलिब्रेट करेंगे, बट पहले पूरा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, एंड आई थिंक अभी कुछ वेट करने की जरूरत नहीं है, सो लेट्स ऑल सेलिब्रेट, वी आर हैप्पी टू हैव वन विद सच थम्पिंग मेजोरिटी कि सारे देश ने पूरे हर स्टेट में जहाँ पहले नहीं भी उनकी प्रेजेंस थी, चाहे बंगाल हो चाहे हर स्टेट में, उन्होंने हमारे पार्टी बीजेपी को पूरी बहुमत दी है और नरेंद्र मोदी जी को लीडर यूनानिमसली घोषित किया।
आपके आपको बहुत बहुत बधाई, और आप जिस तरह से प्रदर्शन किया है महाराष्ट्र में वो और अच्छा जाएगा, और फिर आप जरूर सेलिब्रेट करें।